रूस में गद्दार घोषित हो चुके वैगनार समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इस हादसे के कई पहलुओं पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अमेरिका दावा करता है कि प्रिगोजिन के विमान पर हवा में मिसाइल से अटैक किया गया, लेकिन उसके उलट रूस का कहना है कि विमान हवा में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस सब के बीच प्रिगोजिन का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुतिन के टॉप कमांडर बता रहे हैं कि रूस बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। И у нас еще остался золотой фонд, который постепенно выгоняют. Потому что золотой фонд – это мужики с яйцами. И они не готовы вылизывать задницу вышестоящему руководству, они готовы быть честными. Сегодня мы зашли в стадию кипения. Почему я честно все говорю? Потому что мы зашли в эту стадию. У меня нет права перед теми людьми, которые будут жить в этой стране дальше, им сейчас врать. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать, я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе. इस पुराने वीडियो क्लिप के वायरल होने के कुछ ही घंटों में ग्रे जोन पर सैकड़ों अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। किसी का कहना है कि प्रिगोजिन जिंदा है, वो जल्द ही सबके सामने आएंगे। प्रिगोजिन की रहस्यमयी मौत के बारे में अलग अलग बातें हो रही हैं। इस बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन को कई बार आगाह किया गया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन प्रिगोजिन ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया।